जगह हम इसको पुट कर सकते हैं, x के जगह हम इसको पुट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से x और y में थोड़ा रिलेशन लेते हैं। x mx 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 ऐसे पावर चल रहा है, तो mu लिखे थे, दैट इज इक्वल्स टू y टू द पावर n भी लिखे थे हम लोग, ऐसा कुछ लिखे थे, जिसमें u और v के बारे में हम लोग को क्या पता है कि u कौन है और v कौन है, वो ये u है और ये v है, ठीक है। तो u इज इक्वल्स टू v टाइप का हम लोग को दिख रहा है, u इज इक्वल्स टू v टाइप का हमको दिख रहा है, ठीक है। तो अगर हम इस v के जगह u लिख दें, अगर हम v के जगह u लिख दें कोई दिक्कत नहीं, देखते चलिए। अगर कम समझ में आ रहा है तो फिर हमको एक थ्योरेटिकल पार्ट लेके चलना होगा, फिर भी नहीं समझ में आया तो हम फिर एक्सप्लेन करेंगे, देखिएगा। बोलिए पहले ये समझे कि नहीं, u को v के इक्वल लिए, हाँ 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 हम लिए हैं, कारण है, कारण है, रुकिए फिर से एक बार, ठीक है उमंग ध्यान से। लेट x टू दी पावर m, x टू दी पावर m ऐसे, x टू दी पावर m ऐसे चल रहा है, दैट इज इक्वल्स टू u। तो हम लोग ये बोले कि ये वाला पूरा पार्ट u है, तो x टू दी पावर m u दैट इज इक्वल्स टू u, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड वाला जो था, लेट y to the power ny, 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 ny up to infinity that is equals to v, हम इतने को लेके चल रहे हैं, y का power nv that is equals to v, सही। अब मेरे पास ये पार्ट अगर इसके बराबर है, ये पार्ट ठीक है, अगर इसके बराबर है तो u equals to v है, according to given condition u is equals to v, तो therefore हम ये कह सकते हैं, हाँ फिर से, हाँ ठीक है, yes sir, u equals to v, तो हम ये कह सकते हैं x का पावर mu that is equals to y का पावर nv, बोल सकते हैं, ठीक है, रखते हैं। अब इसमें क्या है कि u is equals to v है, क्योंकि since u equals to v, तो हम इसको लिख सकते हैं x का पावर mu that is equals to y का पावर nu, v changes to u, ठीक है, ऐसा। अब कुछ काटेंगे पीटेंगे नहीं, सीधा इसमें हम log लेंगे, ठीक है ना, सीधा log लेंगे। तो लॉग जब लेंगे तो कौन आगे आएगा, mu log x, और इधर से nu log y। अब u गया, ठीक है, u खत्म। अब उसके बाद मेरे पास जो टर्म है हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो m 1 by x that is equals to n 1 by y, और इसके साथ dy by dx, ऐसा। तो यहां से हम dy by dx जो लिखेंगे बहुत स्ट्रेट चलेंगे, ठीक है, सिंपल, इसको भेज दे ऊपर, m कौन आया, my by nx, अच्छा अच्छा आंसर बता देते ना, ठीक है, m by n और इसके साथ y by x, ये आएगा, ठीक है, ये प्रोसेस आया समझ में, yes, पता है ये क्यों समझ में आया, क्योंकि इससे पहले आप इसको पूरा भंजा लिए हैं, समझे, इसीलिए जब आपको हम पूरा बता दिए, आप हर टर्म को समझ गए कि कौन क्या है, अब वहां से समरी निकाल के हम आपको बताएं ना, आप समझ गए। देखिए एक दो छोटा छोटा सा इशू है, थोड़ा उसको ठीक कर लेंगे, प्रैक्टिस से हो जाता है, लंबा जब खिंचता है ना क्वेश्चन, लंबा खिंचता है स्टूडेंट का पेशेंस छूट जाता है, मेन आपको पेशेंस बना के रखना है। और ये क्यों, ये सजेशन किस लिए है, ये सजेशन आपके एडवांस के लिए, एडवांस के एग्जामिनेशन में अगर आपका क्वेश्चन के बीच में कहीं भी पेशेंस छूटा, हम आपको गारंटी देते हैं वैसा एक क्वेश्चन नहीं बनेगा, इतने साल से देखते आ रहे हैं। तो मेन आपको क्या फोकस करना है ना, ये क्वेश्चन इतना ही छोटा नहीं है, ये दूसरा बोर्ड है इस क्वेश्चन का, जब इस क्वेश्चन का फर्स्ट अटेम्प्ट लीजिएगा, इससे पहले वाला बोर्ड आपको भरना ही पड़ेगा, तब जाके आप इसको लिख के बना दिए। अब देखिए हम आपके सामने एक लाइन रखते हैं कि देखिए साहिल आपका जो क्वेश्चन था कितने हल्के से बन गया, ठीक है। तो ये समरी वाला बात हो गया कि पहले इधर उधर हाथ पैर मार के हर टर्म को समझ गए कि क्या होता है, और बाद में उठा के उसको पुट करते गए, अच्छे से सजा के लिख दिए, और बोले कि क्वेश्चन कहाँ ज्यादा बड़ा था, ये तो चार स्टेप का क्वेश्चन है। After the pool has been plugged off to drain and L equal to 200 bracket 10 minus t whole to the power square.
How fast is the water running out at the end of 5 seconds? What is the average rate at which the water flow out during the first 2 seconds? ठीक है, चलिए देखिए क्या है। अब पूल कैसा था? देख ऐसा, ठीक, रेक्टेंगुलर। अब इसमें क्या है, यहां से नल खोल दिया, पानी निकल रहा है, ठीक ना, पानी निकल रहा है। अगर पानी निकल रहा है, एरिया चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, या फिर लेंथ और ब्रेथ चेंज हो रहा है? वॉल्यूम। क्वेश्चन का डिमांड है बताओ डीवी बाई डीटी क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन का डिमांड है बताओ डीवी बाई डीटी क्या होगा, जबकि एल इज द लेंथ, एल लेंथ, और ये कैसा है, स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर कैसे होगा अगर केवल एल दीजिएगा तो? किसका? एल लीटर। L is equal to 200 bracket में 10 minus t का whole square। तो ये L है क्या? लीटर है। ये लीटर, पर ऑफ लीटर। अरे हाँ हाँ ठीक है, वो इतना लीटर दिया, ठीक है ठीक है, तब हो गया। तो ये वॉल्यूम है, तो ये वॉल्यूम है, तब ठीक है, ये वॉल्यूम है। अगर L लीटर दिया हुआ है, इसका मतलब वो वॉल्यूम है। हमको वॉल्यूम का चेंज चाहिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए तब। dv by dt is equals to 200, इसके साथ में 2 आगे आया, 10 minus t और into minus 1 minus 1, और t के प्लेस पे 5 पुट कर दीजिए, हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, minus 5, बस सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन, इससे भी कम से कम दो क्वेश्चन है क्या इसमें? 2 आंसर है इसके लिए, और एक, और एक क्या बोले? What is the average rate at which the water flow out during at the 5 second, first 5 second? Average rate? Yes sir। ओह, तो average rate में जानते क्या करना होगा? Change in L मतलब V by delta, ठीक है, average में। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हुआ? तो जब t इक्वल टू 0 था, इनिशियल t इक्वल टू 0, उस समय कितना था? 2000, ठीक है, इनिशियली 2000, 20000 मतलब, ऊपर में स्क्वायर है ना? हाँ हाँ, 20000, एक जीरो छूट गया था, और माइनस 5 सेकंड पे ये 25 हो जाएगा। अब 25 यानी 50 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 5000, ठीक है। और डिवीजन में डेल्टी फर्स्ट 5 सेकंड, तो ये 5 हो जाएगा, ये कितना मिला हमको? 15, 3000 रुपया, ठीक है, 3000 ये आ जाएगा अपने पास, ये एवरेज रेट हो जाएगा। बताइए तो प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस होगा सर। क्यों? घट रहा है ना पानी का। हाँ, ये फाइनली डिक्रीजिंग, ठीक है, यहाँ भी डिक्रीजिंग है, ये तो नेगेटिव दिखा रहा है, वहां नेगेटिव दिख नहीं रहा है, मगर वो डिक्रीजिंग होगा, वो नेगेटिव ही होगा, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन खत्म ना, आगे बढ़े तब, आगे बढ़ते। देखिए पिछले क्लास में जो आपको रेट मेजर पढ़ा रहे थे, पिछले क्लास में स्टार्ट हुआ था अपना dy by dx as rate measure, dy by dx as rate measure। इसमें ऑलरेडी हम लोग एक क्वेश्चन लैडर वाला कर लिए थे, थोड़ा साइडो वाला, साइडो वाला क्वेश्चन कोई बनाया था क्या? साइडो वाला नहीं था, तो पहला तो सवाल बनाया था। चलिए ठीक है, देखिए मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसे दिया है कि एक लैंप पोस्ट है, पूरा लिखेंगे नहीं क्योंकि इसका थोड़ा लंबा होता है स्टेटमेंट। एक लैंप पोस्ट है, कितना ऊंचा? 6 मीटर का, यहाँ पे बल्ब लगा। एक आदमी है, कितना ऊंचा? 2 मीटर का, ठीक है, 2 मीटर का आदमी है। अब ये आदमी लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है, लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है, किस रफ्तार से जा रहा है? तो इसका जो वेलोसिटी या स्पीड का बात करें ना, दैट इज 1.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, टहलते टहलते जा रहा है। किधर जा रहा है? लैंप पोस्ट से दूर। अब वैसे केस में आपसे ये पूछा, फाइंड रेट ऑफ चेंज,
rate of change of length of shadow when man is 4 meter away from lamp post. ठीक है, तो देखिए हर चीज का मीनिंग समझिएगा। एक तो आपको लैंप पोस्ट बता दिया कि ये कांस्टेंट है 6 मीटर का, एक आदमी खड़ा है उसके सामने में 2 मीटर का। अब आदमी चल रहा है तो लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है कितने रफ्तार से, 1.2 मीटर पर सेकंड, ये उसका स्पीड हो गया चलने का, डायरेक्शन भी बता दिया। अब आपसे ये बोला कि 4 मीटर पे बताइए उसके शैडो का क्या लेंथ का रेट ऑफ चेंज होगा, शैडो के लेंथ का रेट ऑफ चेंज क्या होगा ये बताइए। ये 4 मीटर क्या है, मतलब कि अगर हम इसको डिफरेंशिएशन से जोड़ के देखें तो हम इसको क्या बोलेंगे, नहीं समझे। अच्छा ठीक, थोड़ा सा क्वेश्चन क्लियर करते हैं। ये क्या होता है और ये क्या होता है, ये एवरेज यानी बड़ा चेंज और ये छोटा चेंज, इसका नाम क्या होता है, इंस्टेंटेनियस चेंज। तो जिस इंस्टेंट पे कैलकुलेशन होता है वही इंस्टेंटेनियस चेंज निकलता है। ये 4 मीटर वही बता रहा है आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कैलकुलेशन करना है। ये इंस्टेंट है, ये वो पॉइंट है जहां पे कैलकुलेशन करना है। तो इसका वैल्यू स्टार्टिंग में पुट करेंगे कि एंड में पुट करेंगे, एंड में पुट करेंगे। अब पूरी बात समझिए, क्वेश्चन कैसे बनेगा थोड़ा वो समझिए। यहां से लाइट होगा अगर पड़ेगा तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में आएगा ऐसे। आदमी अगर यहाँ खड़ा है तो आप शायद समझ पा रहे हैं कि ये वाला उसका शैडो है। तो मान लीजिए जैसे शैडो का जो लेंथ है ये समथिंग वाई यूनिट्स और आदमी जितना दूर है वो समथिंग एक्स यूनिट, क्योंकि ये इंस्टेंट है और ये पुट होगा आफ्टर डिफरेंशिएशन लास्ट स्टेप में। तो स्टार्टिंग में आप इसको 4 नहीं पुट कर सकते। हाँ हमको ये पता है कि x का वैल्यू जब पुट करना होगा तो 4 पुट करेंगे, ठीक है ये हमको पता है, मगर स्टार्टिंग में नहीं करेंगे। इसलिए इस वर्ड के बारे में आपको बता रहे थे कि 4 मीटर दिया क्या है, ये वो इंस्टेंट है, ये वो पॉइंट है जहां कैलकुलेशन करना है। तो पहले रिड्यूस करेंगे बाद में पॉइंट को पुट करेंगे तब कहीं जाके कैलकुलेशन होगा। तो एकदम प्रोसेस को समझिए और यहां पे एक नाम देते हैं ए बी, ये सी, ये डी और ये ई। शायद आपको यहां 3 ट्रायंगल दिखा होगा, उसमें से एक नाम देते हैं ट्रायंगल बड़ा वाला ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल छोटा वाला ई सी डी। बोली सही है, ये बड़ा ट्रायंगल छोटे वाले ट्रायंगल के सिमिलर है आरएचएस से, ठीक है दोनों परपेंडिकुलर सिमिलर। अगर सिमिलर है तो जो रिस्पेक्टिव प्लेस का साइड्स होगा उसका रेशियो सेम होगा, रिस्पेक्टिव प्लेस का जो साइड्स होगा उसका रेशियो सेम होगा। यानी AB by EC दैट इज इक्वल्स टू पूरा का पूरा BD by CD। अब यहां से इक्वेशन मिलेगा, ये है वो इक्वेशन, ये है वो फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट करेंगे और उसमें वैल्यू पुट करेंगे तब कहीं जाके हमको रेट ऑफ चेंज मिलेगा। हर एक पार्ट को समझते चलिएगा, क्वेश्चन ही यहाँ पे थ्योरी है। एबी का वैल्यू 6, इसी का वैल्यू कहाँ गया इसी, ये 2 इज इक्वल्स टू बी डी एक्स प्लस वाई और उसके डिवीजन में सी डी मीन्स वाई। Yeah, आप यहां से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर ले, जैसे सॉल्व होगा तो 3y दैट इज इक्वल्स, हां ठीक है तो 2y इज इक्वल्स टू x। अब फाइनली हमको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट। कैसे पता चला, क्योंकि x चेंज होगा तभी y चेंज होगा, मतलब ये मेरे पास इंडिपेंडेंट और ये डिपेंडेंट। कोई अगर ये सोच रहा था कि ये हॉरिजॉन्टल है x इसलिए इसको हम लोग लेके चलेंगे इंडिपेंडेंट, तो गलत सोच रहे थे। आदमी चलेगा तो शैडो बढ़ेगा घटेगा, पहले ही शैडो बढ़ घट नहीं जाता है तो आदमी ढकलाता आगे पीछे, वैसा नहीं होता है।
तो आदमी चलेगा तो साइडों का लेंथ बढ़ेगा या घटेगा जिस डायरेक्शन में जाए, तो x पे डिपेंड कर रहा है y, ना कि y पे डिपेंड कर रहा है x, ठीक है? तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये इसलिए इस पे डील किए ना, आपको इसलिए समझाना जरूरी था, कोई जरूरी थोड़ी है। अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन में यहां t लिख दिया और यहां u लिख दिया, अगर यहां t लिख दिया यहां u लिख दिया, तो आपको पता तो होना चाहिए कि हाँ भाई कौन इंडिपेंडेंट होता है कौन डिपेंडेंट होता है। नहीं अगर पता चले, थोड़ा सा सोचिएगा कि हो क्या रहा है। एक आदमी चल रहा है तो साइडों का लेंथ बढ़ रहा है, आदमी इंडिपेंडेंट साइडो डिपेंडेंट, ऐसे भी डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है? बहुत बार देखे भी होंगे, चले भी होंगे, अपना जो साइडो है वो लंबा छोटा ये भी किए होंगे, बहुत खेल कूद हुआ है जब छोटे थे तो। चलिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, क्या मिला हमको, 2dy/dt दैट इज इक्वल्स टू dx/dt। मेरे क्वेश्चन में क्या दिया है हमको ये बताइए, दोनों में से क्या इसका मीनिंग यही नहीं है? ना ना लिखे कि छोड़ दे, ठीक, क्या उसका मीनिंग यही है ना सबसे पहले, ठीक? चलिए ठीक है, क्यों हम इसके बारे में ही बात कर रहे थे, क्यों हम इसके बारे में ही बात कर रहे थे वो भी बता दें आपको, ये क्या है? ना वेलोसिटी क्वेश्चन जब तक पढ़े तब तक था, स्पीड जब तक क्वेश्चन पढ़े तब तक था, डिफरेंशिएट करने के बाद ये क्या वो पूछ रहे? आप भी ऐसा बातें बोलिएगा ना, सीधा बोलिए dx/dt है। आप लेंथ का बात कीजिएगा तो आदमी चलेगा तो भी लेंथ कवर कर रहा है, साइडो लंबा छोटा होगा तो भी लेंथ है, तो आप बोल रहे हैं कि सर लेंथ बाई टाइम है, तो किसका ले, साइडो का ले कि आदमी के चलने का ले, वही चीज। हाँ ठीक है, समझा रहे थे बस, ठीक है। dx/dt मेरे पास कितना 1.2 मीटर पर सेकेंड, किसी को भी दिक्कत हो जरूर पूछे, आइडेंटिफिकेशन जरूरी है, अगर पता चल गया तो पुट कर दें। तो dy/dt जो होगा दैट इज 1/2 dx/dt, 1.2 दैट इज इक्वल्स टू 0.6 मीटर पर सेकेंड। देखिए क्या बोला था, उसके चलने का डायरेक्शन देख रहे हैं, अवे फ्रॉम लैंप पोस्ट, लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है, तो दूर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है साइडों का लेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और साइडो का लेंथ अगर इंक्रीज कर रहा है तो वो बात हमको यहां से कैसे पता चल रहा है, यहाँ पे प्लस है उससे पता चल रहा है, एकदम ठीक, ये पॉजिटिव है उससे पता चल रहा है। क्या है, हाँ रवि कुछ बोल रहे थे, सुनिए नहीं फिर से एक बार, फोर मीटर क्वेश्चन कभी कभार आपको डेटा दे देगा, जिसका रिक्वायरमेंट है तो यूज कीजिए, नहीं रिक्वायरमेंट है मत यूज कीजिए। मैंने इस क्वेश्चन में कहीं पे x बचा ही नहीं, अगर x बचता तो 4 पुट करते, x दिया ही नहीं इस कारण, माने x बचा ही नहीं तो पुट क्या करेंगे, समझ में आया, वो एक्स्ट्रा हो गया एक्स्ट्रा, ठीक है, yes, ठीक। नोट करेंगे उसको और देख लें क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और कर लें फिर अगले सेक्शन में बढ़े। देखिए क्वेश्चन है, आ पार्टिकल्स, आ पार्टिकल्स वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वी एट टाइम टी इज गिवन बाय यहां लिख रहे हैं वी इक्वल्स टू 2e2t into cos pi t by 3, cos pi t by 3, the least value at which acceleration becomes 0. So, find least value where acceleration equal to 0. ठीक है, acceleration वहाँ पे क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। Physics है, kinematics. देखिए इसमें समझिए किसका क्या मीनिंग होगा, कैसे काम करेंगे। पार्टिकल्स वेलोसिटी v एट टाइम t वेयर एक्सेलरेशन जीरो,
तो ये वेलोसिटी फंक्शन है ना, ये वेलोसिटी फंक्शन है, और वेलोसिटी एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होता है, कोई बताएगा? एक टाइम डिफरेंशिएट का सर। हां व्हाट डिफरेंशिएट, एक बार डिफरेंशिएशन का सर टाइम के रिस्पेक्ट। सिंगल डेरिवेटिव है ना, dv / dt एक्सेलरेशन के बराबर, हटा रहे इसको, dv / dt एक्सेलरेशन के बराबर। तो आपको इस क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आ गया कि सॉल्व करना है तो कहां करना है, dv / dt हमको जीरो करना है, सॉल्व करना है तो यही सॉल्व करना है, ठीक है। और सॉल्व करके क्या निकालना है, फाइंड लीस्ट वैल्यू, ठीक है। लीस्ट वैल्यू किसका, एक मिनट, किसका बोल रहे, टाइम का लीस्ट वैल्यू सर, हमको भी लग रहा वही लीस्ट वैल्यू, क्योंकि वहां पे तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। dv / dt क्वेश्चन छापा ही नहीं है क्या, चलिए खुद से समझ के करना। dv / dt डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ddt of 2 e to the power 2t है, 4 e के पावर 2t into minus sin pi t by 3 into pi by 3, ठीक है। यहां प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, 2 को बाहर छोड़ते हैं, e to the power 2t cos का minus sin pi t by 3, pi t by 3, और इसके साथ pi t by 3 का pi by 3, उसके साथ प्लस cos constant cos pi t by 3 constant multiplied by e to t का 2e to t, और this part is equals to 0। अब ये वाला पार्ट केवल हमको जीरो करना है, यानी ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। क्या है, नंबर कैसे ले लिए हैं, नहीं सुने क्या बोले सर, बोले 2 कैसे कॉमन लिए, ये सर इका 2 है। अच्छा मान लीजिए 2xy लिखा है, तो 2 को बाहर निकाल के dxy नहीं कर सकते हैं, ठीक है सर। ठीक, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन वाला कोई बात नहीं है अपने पास। यहां से 2 को हटा दिए, उधर भेजे, 0 हो गया। देखिए दोनों टर्म में से क्या कॉमन ले सकते हैं, e to t दोनों में से कॉमन ले लिए, अंदर क्या बच गया, -π/3 sin pi t by 3, यहां से क्या बच गया, 2 cos pi t by 3, और ये पूरा पार्ट किसके इक्वल, 0। फाइनली ये पार्ट 0 होगा, ये कभी 0 नहीं हो सकता है, ये पार्ट 0 होगा, ये कभी 0 नहीं हो सकता है। जब आप इसको 0 करेंगे तो 2 cos pi t by 3 minus pi by 3 sin pi t by 3 is equals to 0। ध्यान से इसको भेज दिए उधर, ठीक है, और साइन को लेके चले आए इधर। तो ध्यान से, क्या हम इसको एक बार में cot pi t by 3 is equals to pi by 6 लिख सकते हैं, बोलिए हाँ कि ना। pi by 6 कैसे सर, pi by 3 ना लिखेंगे, हाँ सर 2 भी है, हाँ सर 2 भी है, ठीक है छोड़ दें या सॉल्व करके दिखा दें, नहीं ठीक कोई बात नहीं। तो pi t by 3 that is equals to cot इधर गया, तो cot inverse pi by 6, सॉल्व करने का कोशिश मत कीजिएगा, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। t निकालना है तो t is equals to 3 by pi cot inverse pi by 6 हो जाएगा। ये हो गया मेरा वो टाइम जबकि एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। मेन क्या है, मेन यहां पे ये क्वेश्चन है जो आपको बता रहा है कि एक फंक्शन मिला और उसका डेरिवेटिव 0 होगा, बस इतना ही चीज आपको क्वेश्चन से सीखना था। इसमें से क्या निकालना था, कैसे काम करना था, हमको ये सोचना था कि मेरे पास एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव 0 है, काम का यही है, बाकी सब तो केवल फिलर है, केवल बता रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। नोट कीजिए इसको और एक क्वेश्चन देते हैं, सॉल्व कीजिए फिर। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड व्हेन इट्स एज इज 90 सेंटीमीटर,
एच इज 90 सेंटीमीटर, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ इंक्रीजिंग, द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इंक्रीजिंग विथ रेट, वही रेट बताना है कि क्या होगा, बताइए क्वेश्चन क्या डिमांड किया, रोटेशनल फॉर्म में बोलिए क्वेश्चन डिमांड क्या है, क्या डीवी बाई डीटी क्या होगा, ठीक है। अच्छा ये क्या दिया है, डी एक्स अपॉन डी टी, डी एस, हाँ ये कितना 2 cm² per second, ठीक है। अब सोच के बताइए इन दोनों को रिलेट करने वाला कौन सा टर्म, सर ए, साइड, जो नहीं समझे, सरफेस एरिया किसी भी एक क्यूब का जो सरफेस एरिया होगा दैट इज इक्वल्स टू 6 साइड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा मान लीजिए अगर जैसे उसका वॉल्यूम हमको निकालना है पूरे क्यूब का, तो इट इज ए क्यूब। तो देखिए यही पूछ रहे थे कि इन दोनों वेरिएबल्स को रिलेट करने वाला कौन सा टर्म है, एज लेंथ, इन दोनों को रिलेट करने वाला कौन सा टर्म, एज लेंथ। तो जब तक आप डी ए बाई डी टी नहीं निकालेंगे, जब तक आप डी ए बाई डी टी क्या होगा नहीं निकालेंगे, तब तक आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सुन लीजिए फिर सॉल्व करना है। डी एस बाई डी टी के लिए इस फॉर्मूला को यूज करके डी ए बाई डी टी निकालिए, और डीवी बाई डी टी के लिए इस फॉर्मूला को यूज करके डी ए बाई डी टी का वैल्यू पुट कर दीजिए, बन जाए, ठीक है सर, 45 cm³/s, ठीक है, जो आ जाएगा। हर किसी से आंसर चाहिए, एक आंसर मिल भी गया, सबको ही बनाइए इसको और आंसर दीजिए, इसमें ज्यादा थ्योरी नहीं, इसमें क्वेश्चन ही थ्योरी का काम करेगा, समझिए कि पढ़ाई हो रहा है थ्योरी ही चल रहा है, कोई क्वेश्चन डिस्कशन नहीं, सब थ्योरी है। वो पढ़े हैं आप फिजिक्स में अभी तक की नहीं, मान लीजिए जैसे अर्थ पे कोई रॉकेट है वो ऊपर जा रहा है तो विजिबिलिटी एरिया, उससे भी क्वेश्चन इसमें रहता है, तो उसका फॉर्मूला है। फिर उसके बाद पेंडुलम, ठीक है, पेंडुलम तो उसका लेंथ बढ़ता है तो टाइम पीरियड भी है ना चेंज होता है, नहीं पूरा फिजिक्स जांच लेगा सर, हाँ तो इस सेक्शन में फिजिक्स भी रहता है। आया आंसर, नहीं बना, चलिए देखिए यहां पे ds by dt का कैलकुलेशन कर रहे हैं और इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ds by dt, ये दोनों में 48600, चलिए ये ठीक है, 2a da by dt, ये मिला, ठीक है। अच्छा अब मेरे पास यहां से ds by dt ऑलरेडी है, ds by dt 2 है, that is equals to 6 × 2 × a da by dt, ये 2 कट गया, यहां से हम da by dt निकाले और it is equals to 1/6 a, छोड़ दिए, आगे बढ़े, जो वॉल्यूम चाहिए था डिफरेंशिएट किए dv by dt, a क्यूब का डिफरेंशिएशन t में 3a² da by dt, 3a² da by dt पुट किए हैं, 3a² da by dt 1/6 a, 1/6 a, एक a कैंसिल हो गया, 3 से 6 2 टाइम में a by 2 आया, सही है, यस सर, तो 90 by 2 हो गया, a का वैल्यू 90, तो dv by dt जो होगा दैट इज इक्वल्स टू 90 by 2 मींस 45, और यूनिट क्या यूज करेंगे, यूनिट सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, हाँ क्योंकि वॉल्यूम का बात हो रहा है ना टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड ये लिख सकते, ठीक है। बोला ये क्या था, एटीट्यूड ऑफ कोन इज 20 cm, ठीक है, एटीट्यूड ऑफ कोन इज 20 cm एंड इट्स सेमी वर्टिकल एंगल जो है, ठीक है, इस 30 डिग्री, इफ द सेमी वर्टिकल एंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 degrees per second, सेमी वर्टिकल चेंजेस और वो भी इंक्रीजिंग है विथ 2 degree per second,
रेडियस ऑफ द बेस इज इंक्रीजिंग एट द रेट. फाइंड क्या करना है, फाइंड रेट ऑफ चेंज, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ बेस. रेडियस ऑफ बेस का रेट ऑफ चेंज निकालना है. पूरा मेंसुरेशन काम आएगा, ठीक है, हर जगह. सबसे पहला मेरे पास कोन है, ठीक है, बोला गया था एटीट्यूड ऑफ कोन, तो आपको एक रफ डायग्राम ऐसे बना लेना चाहिए. अब दूसरा बात आया सेमी वर्टिकल एंगल का, तो ये कहलाया वर्टिकल एंगल, 20 से काट दीजिए सेमी हो गया, सेमी वर्टिकल एंगल. सेमी वर्टिकल एंगल क्वेश्चन में दिया है 30, ठीक है, लेट बी थीटा, ठीक है, थीटा 30 दिया है क्वेश्चन में, थीटा 30 डिग्री दिया है, तो ये किसका काम करेगा, इंस्टेंट का काम करेगा, इंस्टेंट का. इंस्टेंट का काम करेगा मतलब स्टार्टिंग में नहीं पुट करना, आफ्टर डिफरेंशिएशन जरूरत हो तो पुट करना है, ठीक है, उस पे. आगे ये बताया कि सेमी वर्टिकल एंगल चेंजेस विद 2 डिग्री पर सेकंड, ये क्या दिया, 2 डिग्री क्या दिया, डी थीटा बाई डी टी दिया, डी थीटा बाई डी टी दिया 2 डिग्री पर सेकंड. पूछा क्या, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ बेस, यानी dr by dt पूछा क्या होगा. कहीं भी कोई डिस्कशन हाइट का नहीं है, यानी जो एटीट्यूड दिया था ना 30-20 वो मेरा फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा. h यहाँ पे कांस्टेंट, h यहाँ पे कांस्टेंट. क्या आप समझे कैसे डिसाइड करते हैं कौन कांस्टेंट कौन वेरिएबल, ठीक है, जिसका रेट दिया जिसका पूछा मतलब दोनों वेरिएबल, जिसके बारे में कुछ नहीं बताया केवल वैल्यू दिया उसका मतलब वो कांस्टेंट. अब इसमें ये वाला पार्ट r है, ठीक है, ये थीटा है. आपको अगर डील करना हो तो आप इस पे डील करेंगे, अब इसको डील करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल है इसको डील करेंगे, तो आप एल को नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि उसके बारे में कुछ नहीं बोला गया. तो किसको इंक्लूड करें, हाइट और रेडियस. हाइट और रेडियस का रिलेशन कौन देगा, टेन. तो आप ये लिख सकते हैं कि टेन टेन थीटा दैट इज इक्वल टू एच बाई आर. ध्यान रखिएगा ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है. अब उसके बाद आप अगर चाहें तो यही डिफरेंशिएट कर दें. कोई कुछ बोल रहा है, अरे भाई आर भाई ये छू जाएगा ना सर. हाँ हाँ एकदम ठीक, क्योंकि इसको थीटा लिया ना, इसके रिस्पेक्ट में ये पी होगा और ये बी होगा, ठीक है, आर भाई डिफरेंशिएट कर दें इसको, तो सेक स्क्वायर थीटा के साथ बोले आंसर आ गया डी थीटा बाई डी टी दैट इज इक्वल टू आर का डी आर बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाई वन बाई एच. जिसका जो वैल्यू दिया है उसको पुट कीजिए, आपके पास अननोन क्वांटिटी जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा. कितना आंसर आया बोलिए, 53.3 सेंटीमीटर. 53.3, ठीक है. और सबको ही कैलकुलेट कीजिए, आपके सामने केवल पुट करके कैलकुलेशन करना है, कुछ बचा नहीं, केवल पुट करना है कैलकुलेट करना है. एकदम ऐसा ही क्वेश्चन आपको है ना स्कूल और बोर्ड लेवल में भी मिलेगा इससे, और ऐसा ही क्वेश्चन आपको कंपटीशन में भी मिलेगा. यही एक सेक्शन है ऐसा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जिसमें कि स्कूल लेवल और कंपटीशन लेवल एक टाइप का होता है. आपको समझना है क्या हो रहा है, क्या चेंज कर रहा है और क्या कॉन्स्टेंट है. अगर यही आंसर आएगा तो बोल दीजिएगा इतना ही है, ठीक है, उतना नहीं सोचना. और अगर डिफरेंट आएगा तो जरूर बताइएगा. नेक्स्ट आप उसको सॉल्व करके हमको आंसर दे दीजिए, तब तक हम क्वेश्चन लिख देते हैं. 53.3 सेम आ रहा है ना, बहुत बढ़िया. जिसका आगे आगे बढ़ते जाइए. फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स इज द रेट, इज द रेट इंक्रीजेस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 इज ट्वाइस द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ x, ठीक है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ x. ये बोला x निकालना है एक अननोन क्वांटिटी, जबकि हम लोग को डिफरेंशियल कोफिशिएंट में रिलेशन दिया. जो बात बोला थोड़ा उसको समझिएगा, इस क्वांटिटी को कुछ बताया नहीं तो खुद से मान लीजिए y है,
इस क्वांटिटी को कुछ बताया नहीं, खुद से मान लीजिए y प्लस 5x प्लस 8 मान ली। अब उसके बाद फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x इज द रेट, रेट नहीं बोला किसके रिस्पेक्ट में, तो हम लोग क्या लेके चलेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड dy by dt दैट इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर 10x 5 dx by dt सब में से आया, ठीक है। अब आगे क्या बोला, देखिए जो जरूरत का चीज है वही पढ़ना है। x का रेट इज ट्वाइस, ठीक है, तो मेरे पास इसका जो रेट है, इसका इसका जो रेट है इज ट्वाइस द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ x। सोच के dy by dt इज 2dx by dt या इसका उल्टा, पढ़िए पढ़ने का जगह दें, यहां से यहां तक पढ़िए आपको पता चल जाएगा, यहां से यहां तक पढ़िए आपको पता चल जाएगा, ठीक है, सबको पता चला। बोला कि ये क्वांटिटी मतलब y इज ट्वाइस द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ x, रेट ऑफ y इज ट्वाइस द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ x, रेट ऑफ y इज ट्वाइस x, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना, dy by dt के जगह इसको पुट करना, तो 2 dx by dt is equals to 3x square minus 10x plus 5 और इसके साथ में dx by dt, ये dx by dt कट गया, ये उधर भेज दिए, क्वाड्रेटिक बन गया, minus 10x plus 3 is equals to 0, स्प्लिट होगा minus 9 और 1 में, 9x और x 3। अब इसका रूट बोलिए, पहला रूट 1/3 और 3, ठीक है 1/3 और 3। देखिए क्वाड्रेटिक में रूट निकालने का एक छोटा सा शॉर्टकट बता रहे हैं, सबको ध्यान से सुनेंगे। जब आप मिडिल स्प्लिट कर लेते हैं, ये क्वांटिटी में नेगेटिव लगाइए और इससे डिवाइड कीजिए, इस क्वांटिटी में नेगेटिव लगाइए और इससे डिवाइड कीजिए, इससे मतलब किससे, x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स, ठीक है, x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स। कहने का मतलब अगर क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस b1x प्लस b2x प्लस c इक्वल टू 0 है, तो रूट बोलिए क्या होगा, माइनस b1 बाई a होगा और माइनस b2 बाई a होगा, यही चीज समझा रहे थे। मिडिल स्प्लिट कीजिए, अब उतना टाइम थोड़ी है कि कॉमन लेंगे इधर भेजेंगे, 0 के बराबर करेंगे, वो सब छोड़िए, ठीक है। सीधा x का वैल्यू 3 और 1/3, अब मेरे पास बस x ही निकालना था, अपने पास जो भी ऑप्शन में रहेगा, दोनों सही की किसी एक को रखें और एक को नहीं, दोनों को रखेंगे क्योंकि फुलफिल कर रहा है, ठीक है, फुलफिल कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नोट कीजिए इसको, खत्म हो गया रेट मेजर, ठीक है। रेट मेजर आपको हम एक दो वर्ड बता दे रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बना लीजिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बना लीजिएगा। एक है कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट रिवेन्यू। दूसरा है सैंड से रिलेटेड, एक बलून का क्वेश्चन होगा, ठीक। उसके बाद ये लैडर वाला तो बता ही दिए, लैडर वाला बता दिए, मगर अपने से ढूंढ के कीजिएगा। और एक ये काइट प्रॉब्लम, अच्छा लैडर के साथ एक और चीज ले रहे हैं, इसमें इसका इमेज आदमी का जो परछाई बन रहा है, ठीक है, वो वाला, उसका जो शैडो बन रहा है वही वाला, लैडर शैडो और उसके साथ काइट प्रॉब्लम होगा। काइट प्रॉब्लम क्या, एक आदमी काइट उड़ा रहा, आदमी बच्चा जो है काइट उड़ा रहा वो उधर है, तो देखिए आदमी यहाँ खड़ा रहेगा, देखिएगा इसमें क्यों हम बोले ऐसा बनाने के लिए आपको ये क्वेश्चन, आदमी ऐसे इतना बड़ा है खड़ा रहेगा, ठीक है। अब उसका हाथ जो है वो यहां तक है, इस पे क्वेश्चन दे सकता है, तो आपका बेस लाइन यहां हो जाएगा, और पतंग तोड़ेगा ऐसे ना, तो यहां पे पतंग है, ठीक, ये हाइट, ये एक ये डोरी, ठीक है, जो धागा होगा, ठीक है, जो धागा होगा ये उसका लेंथ हो गया, उसका लेंथ, और ये हो गया कि काइट उससे कितने डिस्टेंस पे है। तो आप दोनों चीज को देखें, अगर बोलेगा कि नहीं आदमी उड़ा रहा है ऐसे करके जनरल तौर पे, तो यहां आपका बेस लाइन पहुंच जाएगा। अगर कोई बोलेगा वो जमीन पे रख के उड़ा रहा है, आपका बेस लाइन यहां पहुंच जाएगा, काइट तो वहीं रहेगा। तो देख रहे हैं एंगल का कैसे वेरिएशन हो रहा है,
क्या समझे क्या बताना चाह रहे हैं? नहीं समझे? पतंग यहां उड़ रहा है और वो स्प्रिंग कितना छोड़ा वो दे दिया 130 मीटर। आदमी कितना लंबा है वो दे दिया। उसके बाद बताया कि पतंग का हाइट जमीन से 120 मीटर है। तो आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो 120 हाइट पे कीजिएगा या फिर इतना रिड्यूस करके कैलकुलेशन कीजिएगा? बोलिए। रिड्यूस करके कैलकुलेशन करना है तब जाके आंसर आएगा। इस यही चीज बता रहे थे आपको। आदमी ऐसे करके उड़ाता, ऐसे करके उड़ाता, कभी ऐसे करके उड़ाता, कभी नीचे रख के उड़ाता है, ठीक है? तो जो आपके क्वेश्चन में बोले उसके अकॉर्डिंग आपका बेस लाइन ऊपर नीचे शिफ्ट करेगा। कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। आदमी का हाइट दिया है, उसके टॉप से कैलकुलेशन कीजिएगा। कुछ नहीं बोला, आदमी का हाइट नहीं दिया है, एकदम बॉटम से कैलकुलेशन कीजिएगा। ये सब टर्म्स होता है जो आपको क्वेश्चन के बताएगा कि कहां से कैलकुलेट करें तो सही बनेगा, ठीक है? बस काइट वाले में थोड़ा इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको मिल जाएगा। इतना क्वेश्चन ढूंढ के कर लीजिए, बस इसके आगे और कुछ नहीं बनाना है। इस पूरे सेक्शन में बस इतना ही जरूरी है, ठीक है? इतना काम कर लीजिएगा।